हाथरस के गांव दरियापुर में सैंगर समाज का हुआ संगठन, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष ठाकुर रामवीर सिंह, उपाध्यक्ष राकेश सिंह तथा युवा केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष ठाकुर गिरीश सैंगर का स्वागत किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन ठाकुर दिनेश सिंह ने किया। यह कार्यक्रम दरियापुर के प्रीति नेत्र फार्म हाउस में किया गया, जिसमें ठाकुर समाज के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पीएलएल न्यूज के लिए हाथरस से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संबंध नहीं है, मतलब एक राजनीतिक परिवेश में वैसे मतलब जो जुड़ाव है वो एक अलग बात है। भाई मान लीजिए खड़ा होता है तो ये हम सब का एक विशिष्ट पहचान होगी कि ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है काम। आप देखिए, पहले देखिए, बैठने से काम नहीं होगा। मेरा फोन मोबाइल नंबर 24 घंटे खुला रहता है। निस्वार्थ सेवा करता हूं मैं, कोई स्वार्थ नहीं मेरा किसी से, कोई लगाव नहीं है। भाई हमारे सतपाल सिंह जी बैठे हैं, जो अधिकारियों ने भी देख लिया कि ये 100-200 आदमी संघ में है, साथ में है। विधायक जी ने भी देखा, विधायक ने वास्तव में हमारा संघ दिया है। ये इनका कहना सही है किसी जो हमारे मतलब का राजनेता तो उससे बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। विधायक ने पूरा साथ दिया है, कई बार फोन करवाया है, कई बार विधायक से, विधायक खुद गए। सांसद जी, यदि आप चाहते तो ये मुकदमा पंजीकृत नहीं होता, जबकि इस मुकदमे में हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, पहले जांच होगी फिर मुकदमा पंजीकृत होगा। और एक दिन में ही जांच होगी, एक दिन में ही मुकदमा पंजीकृत हो गया और एक दिन में ही जेल चला गया। वही कॉलर है, वही सूचना देने वाला है। इसलिए हमारे संगठन की अति आवश्यकता है। वो लड़का पढ़ा लिखा, चलिए उसकी छोटी मोटी गलती थी, वो दीवार के सहारे खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। शहर में 50 मिल जाएंगे आपको। आजकल बैठ के पेशाब कौन करता है? क्यों, ज्यादातर पैंट शर्ट पहनते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं। अब बोल रही वक्त की बात है, हाथ धोने चली नल पे, तो उसे घर में घुस के मारा पीटा भी और मुकदमा भी हो गया उसके खिलाफ। सिर्फ सांसद की सेफ हुआ था। लड़की भी तो छोटी 10 साल की लड़की है। अंत में हम लोगों का प्रयास रंग लाया। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह। अच्छा, ये जो आज प्रोग्राम हुआ है किस उपलक्ष्य में? मैं सैंगर समाज से जिलाध्यक्ष हूँ और ये यहाँ जो है एक विचार गोष्ठी भी है और ये स्वागत सम्मान के उपलक्ष्य में ये रखा गया है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारा समाज जो संगठित हो, एक रहे, जैसे और समाज हैं वो संगठित हैं। और संगठित होने का मतलब ये नहीं है कि अदर भी जो हैं उनका भी सम्मान करें, जो दूसरे संगठन हैं। ये सैंगर ठाकुर जो है, सैंगर क्षत्रिय समाज, तो आप देख ही रहे, करीब होंगे 150 आदमी तो है। ये दरियापुर गांव है, गांव दरियापुर है।